राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक पुरानी वीडियो में। भाइयों, एक्चुअली ऐसा है, मैं आया था यहाँ ऋषिकेश और मेरी जो वीडियो मैंने एडिट करी थी ना, दो पार्ट बनाए थे। एक बनाए थे महल में घूमने का, एक नीचे मतलब जो भी मैंने एक्टिविटी करी थी उस चीज़ का था। एक्चुअली वीडियो हो गई थी ज़्यादा लंबी, तो मेरे को ना वो दो पार्ट में करनी पड़ गई। मैंने कहा कोई नहीं देखता इतनी लंबी वीडियो, तो मैंने दो पार्ट में करी थी। दूसरा पार्ट बनाया था ना मैंने, वो एक्चुअली मेरी गलती को चाहे कुछ भी को बस हो गया, डिलीट हो गया, वो करप्ट हो गई थी फाइल, डिलीट हो गया था। गलती मेरी थी एक्चुअली, मैंने देखा नहीं उसे और हो गया। तो उसके छोटे मोटे पार्ट हैं, आप उसे इंजॉय करो। बाकी मैं यहाँ ऋषिकेश में आया हूँ, ठाकुर जी है मेरे दोस्त, उसके दुकान की ओपनिंग करवाने के लिए। तो वो पार्ट भी आपको कल मिलेगा। और मेरी आवाज़ भाई बैठ गई है, मेरे से बोला नहीं जा रहा इतना यहाँ के, मतलब मैंने ठंडा वंडा पानी पी लिया था रात को, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी, तो इसकी वजह से आवाज़ बैठ गई है। बाकी आप इंजॉय करो और बने रहिए ब्लॉग में। थोड़ी मोड़ी क्लिप है वो दिखा रहा हूँ, उसमें ना ऊँट बीड़ी पीता है, वो वीडियो थी मेरे पे, लेकिन मेरे को बहुत हंसी आई थी उसमें। आप लोगों को दिखाना था, एडिट पूरी की थी, रिकवर देखता हूँ, अगर हो पाती है तो ठीक है, नहीं हो पाती तो छोटे मोटे क्लिप है भाई, वही दिखा पाऊँगा आपको। तो ऐसा हुआ भाई मेरे साथ यहाँ के। बाकी बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। थैंक यू कीप सपोर्टिंग के लिए। मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर बाद, आगे की क्लिप आप देखिए। तो पर्वत महल घूमने के बाद अब हम आ गए हैं आपके टोडा महल, और ये है आपका टोडा महल। तो ये है आपका पूरा निमराना फोर्ट का व्यू, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, क्योंकि दोस्त यार नहीं है कोई, अकेला हूँ, मन सा नहीं लग रहा, बहुत जगह गया हूँ, कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाता है साथ का, किसी ना किसी को ले ही लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। अगर कोई यार दोस्त होता तो और अच्छा लगता मुझे। बाकी तो भाई क्या कहें, बस देखते रहिए ब्लॉग को और बताना कैसा लगा ये पूरा महल। राजा महाराजाओं का महल है, इन्हें रिनोवेट भी किया है इन्होंने, स्विमिंग पूल है, गाड़ी घोड़ा हर चीज़ है यहाँ पे। बाकी तो आप व्यू का क्या कहूँ मैं कुछ नहीं कह सकता, आप खुद देख लीजिए, आप खुद बताना आपको कैसा लगा यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं आगे को, थोड़ी बहुत देखते हैं कुछ एक्टिविटी वगैरह होती है या नहीं होती है, और फिर उसके बाद निकलता हूँ आज मैं घर को। और मुझे जाना है कहीं और, मतलब ऋषिकेश साइड में। तो चलो चलो यार, कितनी अच्छी अच्छी वीडियो बन सकती थी यहाँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिना यार दोस्तों के, और मैं यहाँ फंस गया हूँ अकेले।
महल छोड़ छाड़ के आ गए हैं नीचे, और अब मैं करूँगा कैमल राइड। आप दो चार जने हो, जैसे कोई ग्रुप में आता है या फैमिली के साथ आता है, तो उसके लिए ये चीज़ है, ये आप इसमें आराम से राइड कर सकते हो बैठ के। लेकिन अगर आप मेरी तरह सिंगल हो तो भाई फिर तो अकेले ही जाना पड़ेगा। दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी आपको, मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई। अकेला अकेला कर रहा था बहुत देर से, लेकिन अब नहीं लग रहा, अब मज़ा आ रहा है नीचे बैठ के। तो थोड़ी देर में एंजॉय करता हूँ, तब तक आप भी टाइम लैप्स एंजॉय करिए। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद। तो यहाँ पे अंकल जी बता रहे हैं ये जन्म लेते बहुत बड़े हो जाते हैं। अभी ये पता है कितने साल का है, अभी जनवरी में होगा ये 3 साल का। सोचो इतना बड़ा, वो पेड़ों की हाइट पे आ रहा हो बिल्कुल। ये पकड़ना पड़ता है यहाँ पे इस चीज को। क्या छोटा है ना ये? अच्छा, इसमें भी थोड़ा बड़ा लगा। हाँ वो सही रहेगा, ये हाथों में बिल्कुल ऐसे हो जा रहा। ऐसा है कि यहाँ पे ये घुमाने के लिए लाते हैं, बावड़ी है जो यहाँ पे, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। आप यहाँ पे घूम सकते हो, उसके बाद आप घूम फिर लोगे ना, उसके बाद आपको ले जाएंगे दोबारा वहीं पे, महल पे ही छोड़ देंगे। तो ये है सारा सिस्टम यहाँ का। बाकी इसके पैर में ना थोड़ी कंकड़ी वंकड़ी आ जाती है, ऊपर से 3 साल का है तो डर से हालत ख़राब हो रही। इसके पैर थोड़ी डिगमग कर रहे हैं तो हालत ख़राब हो जा रही पूरी की पूरी। अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा है भाई, मज़ा आया टोटल में। क्या बच्चे को चाहिए ना बैठे। ये है कि अगर इसने रेस लगा दी ना तो मेरी ज़िंदगी की रेस लग जाएगी बढ़िया वाली। पैर मैंने आधे फंसा रखे हैं इसमें यहाँ पे, तो क्योंकि मुझे पता है अगर ये भागने लग गया तो इससे गिरना ही बेटर रहेगा। इससे बढ़िया कि आप इसके साथ घिसटते हुए चलो दूर तक, इससे बढ़िया आप साइड में ही गिर जाओ कहीं पर। बावड़ी